बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं हम मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट नाइन्थ क्लास मैट्रिसेस में। आज हम 1.4 एक्सरसाइज से रेलेवेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को डिस्कस करते हैं। इस लॉज में देखते हैं कि कौन सी दो प्रॉपर्टी दी हुई हैं। लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस। सपोज कर लेते हैं कि तीन हमारे पास मैट्रिसेस हैं, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है ए इंटू बी प्लस सी, यानी पहले राउंड ब्रैकेट में बी प्लस सी मैंने लिखा है, बी प्लस सी को सॉल्व करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए बी कैसे आएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकंड प्रॉपर्टी में उसने दिया है कि राउंड ब्रैकेट में ए प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई किया, ए प्लस बी क्लोज इन राउंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी। तो इसका आंसर आएगा ए सी प्लस बी सी। स्टूडेंट अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ए ये मैं लिख लेता हूँ, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास तीन मैट्रिसेस होने चाहिए। नंबर वन ए मैट्रिसेस सपोज कर लेते हैं, ए हमारे पास है 2, 3, -1, 0। बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, बी हमारे पास है 0, 1, 3, 1, और इसी तरह सी मैट्रिक्स कर लेते हैं हम, सी मैट्रिक्स हमारे पास है 2, 2, -1, 0। अब ये वेरीफाई करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, नंबर वन ये हमें दिया हुआ है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। स्टूडेंट ये देखते हैं इक्वल के लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटू बी प्लस सी, अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इक्वल टू ए लिखता हूँ मैं, ए मैट्रिक्स जो दी हुई है वो 2, 3 और -1, 0। फिर राउंड ब्रैकेट में उसने लिखा है बी प्लस सी, तो राउंड ब्रैकेट के लिए बहुत बड़ी राउंड ब्रैकेट लगाना बहुत मुश्किल है, इस तरह की लगा लेते हैं। बी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं 0, 1, 3, 1 और मल्टीप्ल प्लस सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, सी है 2, 2, -1, 0 और फिर ये राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देते। स्टूडेंट आप पहले देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि पहले राउंड ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये लिख लेता हूँ मैं 2, 3, -1, 0 और फिर ये राउंड ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। अब प्लस करने के लिए कंडीशन ये थी, एक तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए और दूसरा इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उसको हम प्लस करते हैं। ये 0 प्लस 2 तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। 1 प्लस 2 क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। 3 प्लस -1 2 आंसर आ जाएगा और 1 प्लस 0 1 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा सम हो गया बी और सी का। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का जो आपने रूल्स अंडरस्टैंड किए हैं वो ये हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो रही है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अब ये सपोज ए है ये बी है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो ये इट इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जानना क्या जरूरी है कि फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ये फर्स्ट रॉ, ये फर्स्ट कॉलम का 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। फिर फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं। फिर सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ में -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0
मल्टीप्लाइड, जीरो के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये भी टू है, टू। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस वन मल्टीप्लाइड थ्री प्लस जीरो मल्टीप्लाइड वन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करता हूँ मैं। टू मल्टीप्लाई टू फोर प्लस सिक्स, ये माइनस टू प्लस जीरो, ये टू थ्री जार सिक्स, सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस जीरो। अब फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिक्स प्लस फोर टेन, सिक्स प्लस थ्री नाइन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री। तो स्टूडेंट ये देखा हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम वेरीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को, आंसर को हम साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रह जाए जो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो आंसर निकाला है वो लिख लेते हैं साइड पे। ये था हमारे पास 10, 9 और माइनस टू और माइनस थ्री। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे वो भी सेम आंसर आएगा। अगर सेम नहीं आंसर आ रहा तो इट मीन हमने कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक की है। तो अब इसको अरेज कर देता हूँ मैं नीचे से और फिर इसका राइट हैंड साइड वेरीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में उसने हमें जो दिया हुआ है ए बी, अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है ए बी प्लस ए सी। इट मीन पहले हम ए बी फाइंड करेंगे और फिर ए सी, फिर दोनों को सम अप करेंगे। अब ए बी मैं लिखता हूँ, ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है टू थ्री माइनस वन जीरो, और बी मैट्रिक्स दी हुई है हमें जीरो वन थ्री वन, ये देखें। फिर दरमियान में प्लस है और फिर जो सेकंड वैल्यू हमें दी हुई है ए सी, ए मैं लिख लेता हूँ ये ए सी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास टू थ्री माइनस वन जीरो, और फिर सी की वैल्यू क्या है हमारे पास टू टू माइनस वन जीरो, ये सी की वैल्यू है। अब पहले फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको हम सम करेंगे। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर वन टाइम देख लेते हैं कि ये कन्फर्म वेरिएबल है हमारे पास, ये नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम टू मल्टीप्लाइड जीरो प्लस थ्री मल्टीप्लाइड थ्री, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम टू मल्टीप्लाइड वन प्लस थ्री मल्टीप्लाइड वन। ये इधर मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर ये मैं सेकंड रो को करता हूँ, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाइड ज़ीरो प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड थ्री, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाइड वन प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड वन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर प्लस लगाते हैं फिर आगे वाले भी साथ ही लिख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टू मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन, ये माइनस वन। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम टू मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई ज़ीरो, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाई टू प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड माइनस वन, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाई टू प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड ज़ीरो। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब सॉल्व करता हूँ, टू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो प्लस नाइन, टू वन ज़ार टू, टू प्लस थ्री, ये ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही आ जाएगा, ये माइनस वन प्लस ज़ीरो माइनस वन आ जाएगा। अच्छा वन टाइम ये लिख देता हूँ ज़ीरो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि दूसरा डिजिट कहाँ चला गया। प्लस इसका भी आंसर निकालते हैं, टू टू ज़ार फोर प्लस और माइनस थ्री, ये माइनस थ्री आ जाएगा इसमें, टू टू ज़ार फोर, फोर प्लस ज़ीरो आ जाएगा, ये टू को माइनस वन से किया माइनस टू प्लस ज़ीरो आ जाएगा,
माइनस टू प्लस जीरो आ जाएगा ये जी, इसको क्लोज कर देता हूँ। एक स्टेप हो जाएगा आगे, नाइन प्लस जीरो नाइन, थ्री प्लस टू फाइव, जीरो माइनस वन। अब प्लस आगे साइन लगाया, फिर इसको सम अप किया, फोर माइनस थ्री वन, फोर प्लस जीरो फोर, और माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू, माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू। अब फिर इसको सम अप करते हैं। सम अप करने के लिए क्या कंडीशन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने प्लस करना है। नाइन प्लस वन, अगर ये देखें मैं वन टाइम लिख ही देता हूँ ताकि कोई मिस्टेक भी ना हो। फाइव प्लस फोर, ताकि पता भी चल जाए कि कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इसमें ऐड हो रही है। जीरो प्लस माइनस टू, फिर माइनस वन प्लस ये माइनस टू। क्लोज करते हैं इसको, आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। नाइन प्लस वन टेन आ जाएगा, फाइव प्लस फोर नाइन आ जाएगा, और जीरो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस टू आंसर आ जाएगा। और ये माइनस वन प्लस को माइनस किया, माइनस टू, तो माइनस थ्री आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट देखा, राइट हैंड साइड हमने फाइंड की, राइट हैंड साइड इसका आंसर आया टेन, नाइन, माइनस टू और माइनस थ्री। ये देखिए, ये दोनों आंसर सेम है, तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स आपने प्रैक्टिस करनी है और बड़ा केयरफुली इन एंट्रीज को पास करना है, और इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।